फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद स्वाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे राजमा। राजमा हमने पहले से भिगो के रखे हैं, बारीक प्याज काटे हैं, टमाटर को कद्दूकस करके रखे हैं और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो सब गैस ऑन करते हैं। हम कुकर में बनाएंगे, एक राजमा बॉईल करके भी बनता है, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। आज कुकर क्या दिखाती हूँ। कुकर गर्म होते ही इसमें हम तेल डालेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर का होने आया है। हमने इसमें दो बड़े प्याज लिए हैं और इसमें थोड़ा प्याज और टमाटर ज्यादा डालेंगे। तो छोटे है तो तीन प्याज लीजिए, बड़े है तो दो। प्याज ब्राउन कलर का हो चुका है, इसमें अब हम राजमा डाल दें। राजमा ये 250 ग्राम है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन अच्छा से भून चुका है। थोड़ा टाइम भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, ये तो अदरक लहसुन का कच्चा वास आएगा, इसके लिए थोड़ा अच्छी तरह से इसे भून लीजिए। टमाटर दो बड़े बड़े टमाटर है, छोटे है तो तीन लीजिए। इसमें अब हम नमक डाल रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार आप डालिए। इसमें मसाला डाल दिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक थोड़ा सा डाल दूंगी मैं, दो छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्च है, तीखा नहीं होता ये, दो छोटे चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरह से अब इसे हम पकाएंगे स्लो में। मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, तीन है, आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हैं अगर तीखा ज्यादा खाना है तो। ये राजमा हमारा अच्छी तरह से मसाला भी भून चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा थोड़ा रस चाहिए तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं। अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ, इसे हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे। अब हमारा राजमा तैयार है, हम खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुका है।
तो प्लीज मेरा ये रेसिपी आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन कीजिए ताकि अगला रेसिपी मेरा आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप देख पाए। तो इसे चावल के साथ खाइए, राजमा चावल।